और बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं हरियाणा से आ रही अहम खबर का, जहां हरियाणा में शराब घोटाले को लेकर बनी एसीटी ने आज अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। बता दें कि लॉकडाउन के बीच में इस तरह की खबरें आई थी कि शराब गलत तरीके से बड़े पैमाने पर हरियाणा में बेची गई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए एक स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया था, जिसमें एक सदस्य पुलिस विभाग के एडीजीपी स्तर का अधिकारी और दूसरा एक्साइज विभाग से और तीसरे सदस्य एक सीनियर आईएएस थे। हालांकि इस पूरे मामले में पहले कमेटी को अपनी रिपोर्ट 31 मई तक जमा करानी थी, लेकिन 2 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट का एक सेट मुख्यमंत्री ऑफिस, एक गृह मंत्रालय और एक अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के पास भेज दिया गया है। और रिपोर्ट मिलने के बाद अनिल विज ने कहा कि वे पहले रिपोर्ट को खुद पढ़ेंगे और सबके सामने रखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी है। मैंने समाचार पत्र में आज सुबह पढ़ा था, उसी वक्त मैंने एसपी पानीपत को वायरलेस मैसेज करवाया था कि 12 बजे तक मुझे सारी घटना की, इसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और लाठीचार्ज हुआ है, सारी रिपोर्ट मुझको मिल गई। रिपोर्ट मुझको मिल गई है और मैंने एसपी करनाल को 2 दिन के अंदर इसकी गहराई से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है।